हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं हेलो नेबर 2। इस गेम में मैं एक प्रेस वाला होता हूँ और मेरा जो नेबर होता है वो बच्चा चोर होता है। तो मुझे उस बच्चे चोर के बारे में सबूत इकट्ठा करना होता है कि आखिर ये बच्चा चुरा के करता क्या है। तो मैं अभी जनरल बना रहा हूँ और उसमें देख रहा हूँ क्या है। ठीक है, मैंने अपने आप कैमरा निकाल लिया और देखते हैं कि वो बच्चा चोर करता क्या है। आइए, ये हमारी मैप है, लाइट ऑफ कर लेते हैं अपनी, फिर चलते हैं। अरे ये कौन है, झाड़ियों से किसी की आवाज़ आ रही है, देखते हैं क्या। ओहो, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ये तो बिल्ली है छोटी सी। ये रहा, देखो मिल गया बच्चा चोर, देखो बच्चा चुरा रहा है, चलो इसकी फोटो खींचते हैं। अरे नहीं, उसने हमें देख लिया, बच्चे को उसने घर में ले गया। अरे ये तो डंडे लेके आ रहा है, जल्दी भाई जल्दी भागो भागो भागो, चाबी निकालते भागते हैं यहाँ से। चल स्टार्ट करो, स्टार्ट करो चले। अरे इसने तो शीशा फोड़ दिया हमारा, भागो 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 जल्दी भागते हैं। अरे नहीं, हमारी गाड़ी तो टक्कर हो गई। ये कहाँ आ गए हम, इसने हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी थी, इसलिए शायद ये हमारी गाड़ी रही यहाँ पे, अंदर आ गई है। चलो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, अच्छा इससे हमारा गेट खुल गया है, चलो बाहर निकलते हैं। गेट खुल नहीं रहा, इसका मतलब इसमें कुछ कंप्लेंट जो है मिसिंग है, तो ये ऐसे ऐसे कंप्लेंट हमें ला के यहाँ पर लगाने होंगे, तब जाके ये हमारा गेट खुल जाएगा। चलो चलते हैं, हम कंप्लेंट ढूंढते हैं। कल पुर्जे हैं छोटे छोटे, एक यहाँ शीशे में रखा हुआ है, इसको फोड़ना पड़ेगा तभी निकलेगा, देखते हैं कैसे फोड़ते हैं। अच्छा ये रहा, इसमें कुछ है, ये तो पत्थर है, चलो पत्थर से मार के फोड़ते हैं। ये रहा हमारा एक मिल गया, चलो हम इसे लगा देते हैं। ये हरा रहा यहाँ पे, और ढूंढते हैं तो चाबी दिख रही है, चाबी देते हैं, गेट खोलते हैं। एक ये रहा ब्लू, और हमने यहाँ पे ब्लू लगा दिया। अब ढूंढते हैं, और हमें एक चाहिए, कौन सा, एक रेड कलर का चाहिए हमें बस। चलो चलते हैं, रेड ढूंढते हैं, ये रहा क्या है, इसे खोल देते हैं, चलते हैं ढूंढते हैं। चिड़िया बहुत लंबी, कहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये रहा, दीवार पे चढ़ के देखते हैं यहाँ कुछ तो होगा। ये रहा हमें मिल गया, चौथा मिल गया, चलते हैं इसे उतरते हैं सीढ़ियों से। तो फ्रेंड्स, हमने चौथा भी लगा दिया यहाँ पे, और अब हमारा गेट खुल गया। चलो हम यहाँ से बाहर निकल के भागते हैं। ये क्या है, अरे नहीं ये आ गया फिर से, हमें इसने तो हमें मार ही डाला, बच्चा चोर कहीं के। ओहो, इसने हमारा कैमरा ले लिया। ये कहाँ हूँ मैं, गेट पे हूँ, कहाँ पे हूँ अभी, तो उसने बच्चा चोर ने हमें मारा था। अच्छा, अरे नहीं सर फूट गया, पट्टी उट्टी बंद रखी है, बच्चे चोर ने सर फोड़ दिया हमारा। ये क्या है, अच्छा शायद ये अपने घर पे है, और ये जो है कैमरे लगा रखे हैं, ये कैमरे हैं मेरे ख्याल से उसी बच्चा चोर के घर का लग रहा है। अरे यहाँ पे तो पुलिस दिखाई दे रही है, शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है, शायद लग रहा है पुलिस वाले को भी पता चल गया कि इसने हमारा सर फोड़ा है, या कुछ तो बच्चा चोरी कर रहा है, शायद पहले पता चल गया। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है, चलते हैं हम बाहर, चलते हैं यहाँ से, घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या है माजरा। अच्छा वो दिख रही है यहाँ पे, पुलिस की वैन है यहाँ पे, तो इसका मतलब जरूर कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, चेक करते हैं। अच्छा ये पुलिस वाले यहाँ पे बाहर खड़ा है, इसका मतलब जरूर ये लोग आ रखे हैं यहाँ पे, इन्हें पता चल गया होगा। चलो हम अंदर जाके देखते हैं। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं,
चलो भागते हैं जल्दी से। अरे से तू उठा के मैं बाहर फेंक दिया। अरे भाई हमें जाके देखना है, अंदर बच्चा चुरा रखा है, जाने दो हमें। अरे नहीं फिर से बाहर फेंक दिया, बेवकूफ है, जल्दी भागना होगा हमें। अरे नहीं फिर से पकड़ लिया इसने। अरे अंकल जी, पुलिस अंकल, हमें बच्चा चोर से निपटना है, उसने बच्चा चुरा रखा है, हमें जान दो। ये तो नहीं जाने देगा ऐसे। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से छिपके चलेंगे, छिपके चलते हैं। चलो पीछे का रास्ता चलते हैं, देख तो नहीं रहा हमें वो, नहीं देख रहा है। चलो भागते हैं, पीछे चलते हैं। ये रहा पीछे का रास्ता, यहाँ से हम घुसते थे, कोशिश करते हैं। अरे हाँ खुल गया दरवाजा, खुल गया, चलो चलते हैं। ये रहा कमरा, लग रहा है तो कोई है नहीं अंदर, आवाज़ नहीं आ रही है, चेक करते हैं। यहाँ पे शायद यहाँ कोई है नहीं इस कमरे में। बच्चा चोर कहाँ भाग गया? बच्चा चोर तो है नहीं। ये रहा उसका सेफ, शायद इसके अंदर हमें कुछ मिलेगा, हम ढूंढेंगे अभी इसमें, शायद इसका की वो होगा। एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 8 नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं इसी का की हो तो। यहाँ पे और भी चाहिए होंगे, बच्चा चोर ना जाए सामने से एकदम से। ताला बंद है, ये रहा। यहाँ पे इतने सारे लॉक लगे पड़े हैं, जरूर यहाँ पे कुछ सीक्रेट चीजें हैं, शायद हमें चाबियाँ ढूंढनी है बहुत सारी। चार लॉक लग गए तो चार चाबियाँ चाहिए होंगी हमें इसके बारे में खोलने के लिए। चलो ढूंढते हैं चाबियाँ, ढूंढते हैं चाबियाँ, कहीं तो छिपी होगी, डायरेक्ट तो रखनी होगी, हमें ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा कहीं ना कहीं। ये घर सा बना हुआ है, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर बनी है, अच्छा ये वही घर है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये सेम घर है। तो शायद हमें यहाँ पे 3 इतने ला कर रखने पड़ेंगे, चलते हैं। अच्छा ये एक नंबर मिल गया हमें, चलो लेके चलते हैं, नंबर मिल गया, 4 नंबर है शायद, ऐसे ऐसे नंबर और होंगे। यहाँ पे 3 कुत्ते रखने होंगे। अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ तो है यहाँ पे, निकाल कर खोलते हैं ज़रा अपना। ये रही एक डॉल मिल गई हमें, डॉल ला के हमें यहाँ रखनी है, कहाँ रखनी थी देख लेते हैं, डॉल कहाँ रखनी थी, डॉल सबसे किनारे रखनी है। ये हमें की मिल गई है, और ढूंढते हैं नंबर है, ये क्या है, ये कोई अच्छा, ये उसका टॉयलेट है, नहाता होगा, गंदा सा है एकदम, ढूंढते हैं। अच्छा ये रहा कुछ था, अच्छा ये रहा एक और नंबर मिल गया, हमें 3 नंबर मिल गए। ये उस सेफ का लॉक का लग रहा है कॉम्बिनेशन होगा, चलो और ढूंढते हैं कहीं और नंबर हो। एक तो यहाँ एक और सेफ है, शायद कोई सीक्रेट रास्ता होगा, इसका भी हमें नंबर चाहिए होगा। ये यहाँ क्या है, क्या है? क्या है? क्या है? ये रहा एक और डॉल मिल गया हमें, डॉल ले लिया हमने। यहाँ पर कोई रास्ता दिख रहा है, कुछ तो है, चलो बाहर निकलते हैं, डॉल लगाते हैं। डॉल को हमें यहाँ रखनी है एक, अब एक डॉल बची है और एक नंबर बचा है जो हमें ढूंढना होगा। चलो ढूंढते हैं दोस्तों, कहीं तो होगा। एक फ्रिज से हमें मिला था, यहाँ से मिला था, चलो इसे खा लेते हैं। शायद एक कलर कोड है, शायद इसी कलर के अकॉर्डिंग है, चलो इसके ऊपर रखते हैं। ये रहा 8 नंबर, 9 नंबर ब्लू रंग का है, ये रहा 9 नंबर, और ये येलो लग रहा है, ये यहाँ रखते हैं 4 नंबर। अब बचा एक रेड कलर का हमें जो ढूंढना है, शायद कहीं होगा, इसे भी हम ढूंढते हैं। चलो फ्रेंड्स नंबर ढूंढते हैं, कोई सीक्रेट जगह पे ही होगा। ये रहा एक नंबर मिल गया हमारा,
चलो इसे यहाँ हम रखते हैं, 1, 9, 8 और 4 कोशिश करते, 1, 9, 8 और 4 खुल गया, ये रही की मिल गई हमें। चलो 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 जल्दी से हम की लगा के देखते हैं दरवाज़ा खुल गया कि नहीं, कहाँ में की खुल रही है, यहाँ आनी है ना, एक खुल गया। अरे अंकल पुलिस अंकल आ गए, भागो 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 भागो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगा, छिप जा रहे हैं। अरे फिर से आ गया पीछे, इसे भागो, भागना पड़ेगा इससे, तो हमें पकड़ के बाहर फेंक देगा ये। पुलिस अंकल आप बहुत गंदे हो। अच्छा हमें एक डॉल मिली थी ना, नहीं डॉल तो रख दी हमने, हमें एक और डॉल चाहिए बस, सिर्फ एक और डॉल लाएंगे और यहाँ पे हमें कुछ तो मिलेगा, यहाँ से कुछ तो मिलेगा। चलो ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पे एक है कॉम्बिनेशन, शायद इसमें होगा। नहीं 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 पुलिस अंकल है, पुलिस अंकल से छिपना है, छिप जा छिप जा छिप जा। अभी हम शायद पुलिस अंकल तो नहीं है, पुलिस अंकल से हमें बच के जाना होगा, पुलिस अंकल पीछे ही खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ से भागना होगा हमें। हमें अब जो ढूंढनी है वो है, कहीं तो होगा एक और चाबी कॉम्बिनेशन होगा उस लॉक को खोलने के लिए। चलो ढूंढते हैं ढूंढते हैं, जहाँ कोई है नहीं तो यहाँ से इस कमरे में ढूंढते हैं, शायद इस कमरे में हो, कुछ भी नहीं है, यहाँ से तुमने ले ही लिया था। अरे सामने पुलिस अंकल है, ये रहा टीवी, टीवी चला के देखते हैं क्या है। एक मिनट यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नोट्स और तनूरे, शायद ये कुछ कह रहा है, शायद शायद कोई कोड है क्या, शायद कोई कोड लग रहा है मुझे। अरे पुलिस अंकल यहीं पे, अब हम क्या करते हैं, शायद बेल बजा के हम इन्हें बुला लेते हैं, बिल्कुल ये रहा। सब तमीरे था ना, N O T ओ खुल गया, सेफ खुल गया। चलो यहाँ तो कुछ तो है, एक मिनट यार हमें पुत्ता मिल गया। अरे छिप जाते हैं छिप जाते हैं, पुलिस अंकल यहाँ पे आ गए हैं, सामने ही है शायद वो। पुलिस अंकल हमें अपना काम कर लें दो, चला गया पुलिस अंकल से भाग। ये रही हमारी तीसरी डॉल, अब हम यहाँ से अपनी तीसरी डॉल रखते हैं, ये देखते हैं क्या निकलता है। एक मिनट ये रही एक चाबी मिल गई हमें, चलो जी फटाक से गेट खोलते हैं, हम जल्दी से जाके गेट खोलते हैं। ये रहा खोल गया, अब हमें दो चाबियाँ और चाहिए। तो हमने यहाँ तो ढूंढ लिया, यहाँ तो कुछ नहीं है शायद, अब हमें कहाँ जाना होगा। अरे नहीं पुलिस अंकल फिर से आ गए, अब हमें शायद इस सीढ़ी से ऊपर जाना होगा, चलते हैं। एक मिनट ये तो खोल ले रहा है, कैंची कैंची चाहिए, कैंची का सिंबल बन रहा है, यानी हमें कैंची की जरूरत होगी, कैंची कहीं कमरे में होगा, ढूंढते हैं कहीं कैंची की चीज़ दिख रहा हो, सीजर नहीं दिख रहा। एक मिनट ये क्या है, कुछ तो कह रहा है ये सिंबल, हमने शायद बाहर देखा था, बाहर कुछ तो कह रहा है ये सिंबल। चलो इस सिंबल को देखते हैं क्या कह रहा है, सिंबल हमने देखा था ना, ये रहा कुछ तो कह रहा है सिंबल। अरे अंकल जी हमें काम कर लें दो, हमें भी कुछ करने दो, ये सिंबल कुछ तो कह रहा है, कहीं तो इशारा कर रहा है, कहाँ को इशारा कर रहा है, एक मिनट कुछ तो कह रहा है ये, एक मिनट ये रहा ये नहीं सिंबल, सिंबल कुछ तो कर रहा है, शायद इस घर के ऊपर कुछ है, शायद इस घर के ऊपर कुछ है, इसके बारे में तो नहीं कह रहा, चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या है। चलो फ्रेंड्स ढूंढते हैं हम क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। एक मिनट अरे ये रही सीढ़ी, सीढ़ी रही यहाँ पे, ये सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए है, पर हम ऐसे चढ़ नहीं पाएंगे कुछ। अच्छा ये रहा सामने दिख रहा है, शायद हम इसके ऊपर जंप करके छत पर चढ़ जाएंगे, देखते हैं ट्राई करते हैं।
नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं, शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। ओह नो, शायद मुझे जंप नहीं करने आ रहा, ये रहा जंप। ओहो, तुम इसे भी चढ़ना है क्या? अच्छा हाँ, सीढ़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, ये रहा चढ़ गया हम ऊपर, यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है ना, ये रही सामने छत पे चढ़ते हैं हम। ओह नीचे उतरना है हमें, तो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना। इस कमरे में कुछ तो होगा, शायद यहाँ पर कुछ तो है। अच्छा ये कुछ बन रहा है सिंबल, इसका मतलब कुछ तो काम करेगा। चलो ठीक है, एक ऐसा सिंबल है। ये क्या है, चुचू चुचू करने वाले ये छोटे छोटे खिलौने, गजब आवाज कर रहे हैं भाई। ओहो ये रही इसके हाथ है, शायद ऐसा कुछ हमें बनाना है। अच्छा ये हाथ बना दिया, पर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ तो होगा इस कमरे में, ढूंढते हैं बैग में कुछ हो इसमें, तो देख लिया। अच्छा ये रहा सीजर, सीजर ये रहा सीजर, मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ट्रेन की आवाज़, अच्छा ये ट्रेन के ये सिग्नल चेंज करनी है इस ट्रेन की, अगर ये मैं सिग्नल चेंज कर दूँ यहाँ से तो ये ट्रेन इधर से आके सीजर निकाल देगी। अब हमें इसका सिग्नल चेंज करना होगा, ऐसा चाहिए हमें। जीवित है नहीं यहाँ पर, कुछ तो लग रहा है। अच्छा ये पिक्चर की तरह हम सेप बना के देखते हैं, इसने हाथ कैसे ऊपर रख रखा है ना, हाँ हाथ ऊपर कर रखा है शायद, ऊपर हाथ रखा है इसने। ये और ये नीचे कर रखा है। चलो फ्रेंड्स हम इसका हाथ नीचे करके देखते हैं, ये रहा लीवर मिल गया हमें। अब हम लीवर से सिग्नल चेंज कर देते हैं, देखते हैं ट्रेन आती है और इधर किधर जाती है। ट्रेन आएगी, अभी आ गई ट्रेन, आ गई यहाँ पे और हमें ये सीजर मिल जाएगा। ये रहा हमें सीजर मिल गया। अब फ्रेंड्स अब हम चलेंगे सीजर्स लेके और ऊपर छत पे जो बनी थी ना इससे नीचे उतार देते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर नीचे आराम से आ जा सकते हैं। चलो फ्रेंड्स तो हमारे हाथ में सीजर आ गया है, अब हम सीजर लेके पुलिस अंकल को चकमा देते हुए उस घर में घुसेंगे। अब सीधे रास्ते से जाएंगे तो पकड़ लेगा हमें, इससे अच्छा हम पीछे के रास्ते जाते हैं क्योंकि हम पुलिस अंकल से छिप के जाना पड़ेगा, पुलिस अंकल बहुत गंदे हैं। चलो फ्रेंड्स पुलिस अंकल अभी बाहर ही है, अंदर चलते हैं हम लोग, जल्दी छत पे जाने की कोशिश करते हैं। चलो तो हमने सीजर ले लिया और हमने ये काट दिया, रास्ता खुल गया। ये क्या है इसमें, टीवी जैसा लग रहा है, क्या है ये? चलो कुछ तो काम आएगा, चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ बन रहा है, जरा हम देखते हैं। एक सेकेंड हमें ये लेना होगा, ये वाली। चलो इसे खोलते हैं और ये हम खाते हैं, ये कुछ पिक्चर जैसा है। चलो रख लेते हैं शायद काम आए। ये वहाँ पे चुचू आवाज करने वाले फिर से यहाँ गिरे हुए खिलौने, इनसे बचना होगा नहीं तो अंकल ऊपर आ जाएंगे। ये क्या है, कुछ तो है, ये रिमोट वाली कार है, यहाँ पर बैटरी मिसिंग है, शायद ये रिमोट की कार कुछ तो करेगी, हमें बैटरी ढूंढनी है होगी। चलो फ्रेंड्स बैटरी ढूंढते हैं और देखते हैं कुछ है क्या। तो क्या बता, कैंची बोल रहे हैं यहाँ पे। चलो कैंची निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। सीजर से, सीजर से हमने काट लिया। यहाँ पे एक और पिक्चर का तस्वीर टुकड़ा मिला, चलो इसे हम रख लेते हैं। कुछ तो कह रहा होगा ये तस्वीर, ये क्या है ये? अरे ये तो सीक्रेट दास्ता है। ओहो अच्छा, इस पर हम खड़े रहेंगे तो ये खुल जाएगा, तो इसका मतलब इस पर कुछ चीज़ रखनी होगी, हमें भारी चीज़ चाहिए इससे कि रास्ता दरवाज़ा खुला रह सके और मैं यहाँ से कुछ तो ले पाऊँगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, अंकल से हमें छिप के जाना होगा नहीं तो अंकल आके हमारे को बाहर फेंक देंगे। अंकल नहीं है, चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं। शाबाश, इस कमरे में क्या है, यहाँ पे फिर से लेबर की ज़रूरत होगी हमें, कुछ तो है। ये रहा लेबर मिल गया हमें, क्यों नहीं ले रहा? अच्छा हमारे पास एक्स्ट्रा सामान है, खाली करना पड़ेगा। ठीक है गेट बंद कर दिया, बंद करना है। ये रहा कुछ तो है इसमें,
खोल के देखते हैं। अरे वो तो मैंने फेंक दिया, उसकी ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत है मुझे अभी। एक मिनट, इसका क्या करना है, एक मिनट, एक फ्रेम मिला यहाँ पे, शायद ये पिक्चर लगानी है मुझे। ये कैमरे का क्या करना है, चलो ऐसे रख देते हैं। इससे करना है क्या, चलो रख लेते हैं, काम नहीं आएगा। अब हम इसे उठा लेते हैं और इस दरवाजे को खोलते हैं। इसे कुछ तो है इसके अंदर। ओहो, ये कैमरा है, शायद उसका कैमरा है ये। चलो कोई नहीं, इसे रख लेते हैं। सीजर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सीजर निकालते हैं अपना। कुछ तो है यहाँ पे भी। अच्छा ये रही बैटरी, अच्छा ये हमें उस कमरे में काम आएगी। चलो ये बैटरी लेके हम उस कमरे में चलते हैं, बैटरी लगाते हैं। अंकल तो नहीं आ रहे, चलो अंकल नहीं आ रहे, जल्दी भागते हैं यहाँ से। और हम ये बैटरी यहाँ लगा देते हैं, बैटरी लगा दी। अच्छा ये रहा, अरे गाड़ी तो चली गई कहीं पे, वापस आ गई। अच्छा इसके कुछ लेके आए, एक की लेके आया। चलो फ्रेंड्स, एक की मिल गई हमें, और हमें एक की मिल गई। और अब हम चलते हैं, इसे फिर से अपना गेट खोलते हैं, लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। पुलिस अंकल इसका मतलब घर में ही है, अंदर छिप के लग रहा है कि कुछ तो कर रहे हैं पुलिस अंकल, क्या कर रहे हैं देख के आते हैं पुलिस अंकल को। अब हमें फ्रेंड्स बस एक तीसरा, जो तीसरा एक तीन दरवाजे खोल दिया, हमें तीन लॉक खोल चुका है, अब हमें चौथा लॉक खोलना है। सिंबल बन रहा है कहीं, इसका मतलब पुलिस अंकल आस पास ही है। और पुलिस अंकल कहाँ है, फ्रेंड्स हम ऊपर फिर जाते हैं और ढूंढते हैं। चलो चलो, क्या है, मैं तो डर गया, क्या है। अब हमें एक लास्ट की फाइंड करनी है, उसके बाद हमारा जो है बेसमेंट का दरवाजा वो खुल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीजर की जरूरत है, सीजर निकालते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर मिल गया हमें, दिखा लेते हैं, पिक्चर फ्रेम में लगानी है हमें। हाँ है, ये रहा फ्रेम, यहाँ लगाते हैं। कहीं और कुछ है ढूंढते हैं, नहीं तो घड़ी ऐसे तो अंकल आ जाएंगे ऊपर। पुलिस अंकल से हमें बच के छिप के काम करने सारे। यहाँ इस कमरे में कुछ दिख रहा है, ये यहाँ कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पर चढ़ के देखते हैं क्या है। सीजर की जरूरत है, यहाँ पर सीजर लेते हैं अपना। ओह नो, सीजर चाहिए मुझे, मेरा सीजर। अच्छा ये रहा वेट, शायद इससे हम उसके ऊपर रख देंगे तो हमारा जो है गेट खुला रहेगा। चलो फ्रेंड चलते हैं, इसको लगाते हैं वहाँ पे। शुक्र है पुलिस अंकल आए नहीं अभी तक। ये हम रख देते हैं और ये हमारा गेट खुल गया। क्या है, एक पिक्चर है, एक और पिक्चर है, शायद से पिक्चर कब आ गए। चलो हम लेके चलते हैं और आखिरी फ्रेम में इसे लगा देते हैं। अच्छा है कि पुलिस अंकल नहीं आए, कुछ तो खुला, कुछ तो आज भी अभी खुलने की, शायद ये खुला था। अरे ये रही चाबी, एक चाबी हमें मिल गई, कैसे ले पाएंगे हम। ये रहा चाबी मिल गई हमें, चौथी चाबी मिल गई। जल्दी से हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ, हमें सारी चाबियां मिल चुकी हैं फ्रेंड्स। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल कहाँ हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ, हमें सारी चाबियां मिल चुकी हैं, हम अंदर आ चुके हैं अब हम। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, वो बच्चा कहाँ है, ना बच्चा चोर है ना बच्चा है, कहाँ गया बच्चा। खिलौने दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे के, छोटे छोटे खिलौने हैं, इसका मतलब यहाँ बच्चा तो यहीं पर था पर अब नहीं है। शायद पुलिस वाले ले गए, नहीं पुलिस वाले तो नहीं ले गए, शायद उस बच्चा चोर ने फिर कहीं और छिपा तो नहीं दिया। चलो फ्रेंड्स यहाँ तो बच्चा नहीं है, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, यहाँ भी ताला लॉक है। चलो वापस चलते हैं, कुछ भी नहीं यहाँ तो, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
लॉक है, ये क्या है, समर ईस्ट सोलर, क्या लिखा पड़ा था। अच्छा ये इसकी चाबी है, शायद इससे ये लॉक खुलेगा। चलो फ्रेंड्स तो खोलते हैं, ये रहा हमारा बेसमेंट का लॉक, खुल गया, बाहर का रास्ता है ये हमारा, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। अंधेरा हो चुका है, इसका मतलब रात हो गई। ये पतंग, छोटी सी पतंग बच्चों वाली, जो हम बचपन में जो जहाज बना के घूमते, हेल्प हेल्प ही, इसमें हेल्प ही लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई बच्चा है जो इस पर लिख के फेंक रहा है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स ढूंढते हैं ये कहाँ से ये जहाज आई थी, छोटी सी जो कागज की जहाज थी, हम इसे देखते हैं। एक मिनट, एक और है जहाज यहाँ पे, अरे एक और है, तो बहुत सारी दिख रही है यहाँ पे जहाज। कहाँ से आया था ये, सामने से आया, सामने वाले घर से आया लग रहा है, तो बहुत ही भूतिया लग रहा है। पेड़ वेड़ देख रहे हो, सूखे हुए पेड़ हैं, चार सा जंगल दिख रहा है, शायद इस जहाज का पीछा करना होगा, पेपर की जहाज, तो बहुत सारे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। चलो इसके पीछे चलते, पता लगाते हैं कहाँ से आया। फुल नाइट, फुल मून नाइट है ये, पतंग कहाँ से आ रही है, छोटी छोटी कागज की जहाज, बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही है यहाँ पे, कहाँ से आए हैं ये सारे। चलते हैं इस जहाज का पीछा करते हैं, इस पेपर की जो जहाज है ना, इसी का पीछा करते हैं, शायद कुछ तो क्लू मिलेगा, हमें कहाँ जाना होगा। चलो फ्रेंड्स तो चलते हैं हम लोग इस पेपर की जहाज का पीछा करते हैं और देखते हैं हमें कहाँ तक जाना है। बहुत सारे जहाज, यानी किसी ने हेल्प में लिख के ये बाहर सारे जहाज फेंके हुए हैं, ये यहाँ से आ रही है लग रहा है मुझे, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, आगे इधर से आ रही है शायद, यहाँ बहुत सारे गिरे पड़े हैं, जल्द देखते हैं इसका पीछा करते हैं कहाँ को जा रहा है ये। अरे नहीं, तो ये बहुत सारे गिरा गिरा पड़ा है, शायद मुझे लग रहा है इस कमरे से आ रही है, तो बहुत ही खतरनाक डरावना सा लग रहा है। क्या लिखा हुआ है इस पे, संयम, तो बहुत सारे कौवा घूम रहे ऊपर आसमान में, हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है, तो बहुत डरावनी आवाज आ रही है, शायद कुछ तो है। चलो फ्रेंड्स चलो देखते हैं अंदर जाके क्या हो रहा है, अभी पता चलेगा हमें। ये तो लॉक है, एक चाबी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी। अरे ये रहा, ये तो उसी बच्चा चोर ने हमें मारा था ना, इससे ये इसके पास है, इसका मतलब वो आसपास कहीं होगा शायद। नहीं ये क्या हो रहा है, अरे नहीं, फिर से मैं अपने कमरे में आ गया, शायद मैं बेहोश हो गया था शायद उस डंडे को देख के। लाइट भी नहीं जल रही है, ये सपना तो नहीं दिख रहा मैं, तो टॉर्च है, टॉर्च चला ली, चलो चलते हैं, कहाँ जाना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कौन है दरवाजे के पीछे भाई, कौन तोड़ रहा है दरवाजा, मेरा टॉर्च भी नीचे गिर गया, मैं अपना टॉर्च उठा लो थोड़ा जरा, कोई तो है दरवाजे के पीछे। अरे ये बच्चा चोर कहाँ से आ गया, बच्चा चोर तो हमारे तकिए के नीचे ही था, बेड के नीचे बच्चा चोर छिपा हुआ था, अभी देखे जरा है क्या, शायद लग रहा मैंने कुछ सपना देखा था, अभी तो दिन है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज हमने पहला चैप्टर्स का कंप्लीट कर लिया है, हम पुलिस अंकल को चकमा देके हम आ गए। ये पुलिस अंकल शायद किसी से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसका पीछा करना होगा हमें नेक्स्ट, इसके जो अगला भाग होगा इसमें हमें पुलिस अंकल जिस लेडी से बात कर रहे हैं शायद इसका हमें पीछा करना होगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, तो फ्रेंड आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो उसे लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए।